ठीक है अबू, मैं काम पे जा रहा हूँ। बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है, शाम को वापसी पे ये तो लेते आना। अबू मैं तंग आ गया हूँ आपकी इन दवाइयों से, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको ये दवाइयाँ लेकर दूँ। बेटा मैं कौन सा शौक से खाता हूँ, मैं भी तो मजबूरी में खाता हूँ ना। तो यार मैं क्या करूँ, आपकी कभी कौन सी दवाई खत्म होती है कभी कौन सी, मैं कहाँ से लाऊं आपकी दवाई, ऊपर से इतनी महंगाई है और मेरा काम भी नहीं चल रहा। आप काम वाम करते हो नहीं, सारा दिन घर पड़े रहते हो, चार पाइयां तोड़ते रहते हो सारा दिन। बेटा मेरे पे अब कौन सी जवानी है, बूढ़ियां हड्डियां रह चुकी हैं। तो जवानी में आपने कौन सा तीर मार दिया, मैं अब काम करने के काबिल नहीं रहा। बेटा मैंने कुछ नहीं किया आपके लिए, आपको पढ़ाया है लिखाया है, आपको जवान किया है, और आज आप कहते हो कि आपने कुछ नहीं किया। क्या जमाना आ गया यार, वो तो सब माँ बाप करते हैं, आपने कौन सा नया किया। लोग अपने बच्चों के लिए जायदाद बना के जाते हैं, गाड़ियाँ पैसा बंगला, आपने किया ही क्या है मेरे लिए, खाना खिलाया सिर्फ और ये टूटा सा घर बस। बेटा चलो मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया ना, ये सब कुछ आप अपनी औलाद के लिए कर लेना। क्यों परेशान है, बस यार क्या बताऊं तुझे, बताओ तो सही। बस यार अब की वजह से परेशान हूँ, रोज कहते कभी कोई दवाई खत्म है कभी कोई दवाई खत्म है, इतनी महंगाई है आपको तो पता ही है, पैसे भर भर जलील हो गया हूँ। यार परेशान क्यों होते हो, साथ में ओल्ड हाउस और यतीम खाना है, आप अपने वालिद को वहाँ पे ले जाएं। ओल्ड हाउस और यतीम खाने वाले जाने और उनका काम जाने। अच्छा यार वहीं पे जाके छोड़ आता हूँ फिर, ठीक है ठीक है। क्या हो गया बेटा, काम पे नहीं गए। आप ऐसा करो अपना सामान उठाओ, हम कहीं चलते हैं। किधर बेटा किधर चलेंगे, बस अपने जरूरत का सामान उठा लो, जो जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, कहीं पे चलते हैं। आप चलेंगे या मैं अकेला, हम दोनों चलते हैं। कहाँ पे जा रहे हैं बेटा। बस आप ज्यादा सवाल ना करो, अपनी जरूरत की चीजें और कपड़े वगैरह उठा लो, कहीं पे जाना है। आपके कपड़े ले आऊं बेटा। नहीं नहीं बस अपने उठा लो। अरे मेरे। हाँ जी हाँ जी। चलें बेटा चलो, कहाँ पे जाना है बताया नहीं वैसे आप। बस आप चुपचाप चलो। ये रहा वो शतीम खाना जिसमें आपको रहना है, ये लोग आपका मुझसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा बेटा अब मैं यहीं पे रहूंगा। आप यहीं पे रहो। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना और एक एहसान करना मुझ पर, वो जो मेरी खांसी वाली शरबत पड़ी हुई है वो तो दे जाना। ठीक है जब टाइम लगेगा मैं दे जाऊंगा, अभी आप जाओ। ये दवाई भी दे आता हूँ ताकि जान छूटे मेरी। यार तू आ गया ना मेरे पास, अब हम एक साथ रहे। यार अब हम एक साथ। ये लो आपकी दवाई। आ गया बेटा तू। बैठो मैं पानी लेके आता हूँ, पानी पीने। नहीं, नहीं मैं जा रहा हूँ। पानी पी के जाना बेटा, आप बैठो। नहीं मैं जा रहा हूँ बस। नहीं नहीं बैठो आप। चला बड़ी गपशप हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पुराना ताल्लुक हो। हाँ 20 साल पुराना ताल्लुक है हमारा। अच्छा वो कैसे। बेटा बात कुछ इस तरह है कि मेरे पास था एक यतीम बच्चा, इनकी कोई औलाद नहीं थी, 20 साल पहले वो यतीम बच्चा ये ले गए थे, तब से मैं नहीं जानता। तो नाम क्या था उसका बेटा। मेरे ख्याल में आप ही हैं वो, उस वक्त बहुत छोटे थे तो। अब आप बैठे। इसका मतलब वो यतीम बच्चा मैं ही था। बेटा पानी पियो, बैठो खड़े क्यों हो। अब वो पानी को छोड़ो, अब आप मेरे साथ घर चलो। ये अचानक क्या हो गया बेटा। अब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पानी पियो बेटा, ऐसा ना करो, मैं यहाँ पे खुश हूँ। नहीं अब आप मेरे साथ घर चलो, आप चलो। अब घर चलो।